हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। नमस्ते, मैं हूँ आशु और आशीष मंत्रा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको विंटर सीजन में ड्राई स्किन से छुटकारा मिलेगा। इसके पहले मैंने होममेड नेचुरल फेस वॉश का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, वो वीडियो आप एक बार जरूर चेकआउट करें। उसे आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपके साथ एक विंटर क्रीम शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब विंटर सीजन शुरू होने वाला है और विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। इसके साथ ही हमारी स्किन का ग्लो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडी हवा के कारण हमारी स्किन उतना नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना कि हमारी स्किन को ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए हम मार्केट के मॉइस्चराइजर और विंटर क्रीम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट मार्केट के मॉइस्चराइजर और विंटर क्रीम से हमें वो नेचुरल ऑयल नहीं मिल पाता, क्योंकि मार्केट के क्रीम में वो फ्लेवर के सिर्फ परफ्यूम ऐड किए जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ नेचुरल चीज़ों से बनी हुई होममेड आलमंड क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जो आपके स्किन में एक ग्लो लाएगी। इसके साथ ही अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन है तो उसे भी ठीक करने में मदद करेगी। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स या किसी भी प्रकार के दाग हैं तो उसे भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी। बट मेरे आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये क्रीम को आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रिपेयर करने के लिए मैंने सब नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया है और नेचुरल चीज़ों का अपना असर दिखाने में टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसका एक बैच पूरा यूज़ करें, उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नेचुरल चीज़ों से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। ये क्रीम यूज़ करने के बाद आपको इस क्रीम के कैसे रिजल्ट मिले ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये क्रीम क्या मैजिक करती है। क्रीम को प्रिपेयर करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो क्रीम को प्रिपेयर करते हैं। क्रीम प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम को रात भर पानी में सोख करके रखा था। अब हम सारे बादाम के छिलके निकालकर उसको मिक्सी में पीस लेंगे। बादाम में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन ई होता है, जो हमारे स्किन टोन को इवन करने में मदद करेगा। क्रीम प्रिपेयर करने के लिए हमें आलमंड का मिल्क चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 चम्मच रोज वाटर ऐड कर लूँगी और इसको एक बार फिर से मिक्सी में चला लूँगी। मिक्सी में पीसने के बाद हमें इसका एक लिक्विड पेस्ट मिलेगा। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद बचे हुए पेस्ट को आप स्क्रब के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस आलमंड मिल्क में हम एक पिंच हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रोगन का आलमंड ऑयल यूज किया है और उसके साथ 2 विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड करेंगे। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल की 2-4 बूंदे डाल सकते हैं। इसके साथ ही इस मिश्रण को एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसका एक क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा। ये देखो, हो गई हमारी आलमंड क्रीम रेडी। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हो। इसको मैं नाइट टाइम में लगाना प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले। अब हम इसको एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे और इस बोतल को फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये लंबे समय तक चले। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।